हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाते। ऐसा क्या है जो वो आपसे छुपा रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके सिचुएशन से रेजोनेट करे एक्यूरेटली, हो सकता है ना करे। तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाते या कह नहीं पा रहे हैं। So rejection, right? I need one card. Perception. Prayer. Perseverance. Correct. Correct. सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये आपसे बोल नहीं पाते हैं बहुत सारी बातें दिल की, लेकिन ये दूसरों से कहते हैं, या फिर ये उस बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। दिस पर्सन इज एन ओवरथिंकर। ये एक ओवरथिंकिंग करने वाले इंसान हैं सच में, और ये अपनी ओवरथिंकिंग अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, कुछ ही लोगों के साथ शेयर ज़रूर करते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि वो आपसे नहीं कर पाते, बिकॉज देयर इज दिस फियर। डर है यहाँ पे, डर है कि आप उनकी क्या इमेज बनाओगे, डर है कि आप उनको कैसे जज करोगे, डर है कि आप उनको उनकी बात सुन के अगर आपको अच्छा नहीं लगा, एक्सेप्ट नहीं किया आपने अगर, तो हो सकता है आप उनको रिजेक्ट कर दो, इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, अवॉइड करो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ये बड़ा स्ट्रेस में रहते हैं इस बात को लेकर कि मैं बोलूं या ना बोलूं, और बोलूं तो कैसे बोलूं, मुझे कैसे समझ में आए कि ये बात इन्हें अच्छी लगेगी बुरी लगेगी। तो अपने इमोशंस वाली जो बातें होती हैं, अपने इमोशंस फीलिंग्स, ये सारी जो बातें होती हैं बहुत हद तक ये दूसरों को बता देते हैं, लेकिन सबको नहीं, क्लोज फ्रेंड्स होंगे उनको बता देते होंगे। स्टिल ये ऐसा ही सोचते हैं व्यूअर्स कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे अगर ये आपसे कहेंगे, या आपको पता चलेगा तो आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन बहुत सारे स्टोरीज बनाते हैं दिमाग में, यस, हर तरह से, हर एंगल से सिचुएशन को देखकर, उसे स्टडी करके, अलग अलग सिनेरियोस को समझ के अलग अलग स्टोरी बनाते हैं, और अलग अलग तरह से ओवरथिंकिंग करते हैं। तो वो इसीलिए इतना करते हैं क्योंकि वो सिचुएशन को हर तरह से इमेजिन कर लेना चाहते हैं। ऐसा हुआ तो ये, अगर ये हुआ तो ऐसा, ऐसा लगा तो फिर ये होगा, ये नहीं हुआ तो फिर ऐसा। तो कहीं ना कहीं वो हर एंगल से सिचुएशन को स्टडी करके हर चीज़ का कंक्लूजन अपने दिमाग में निकालना चाहते हैं। तो इन्हें डर है व्यूअर्स कि आप इनको रिजेक्ट कर सकते हैं, इन्हें डर है कि आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं। सबसे बड़ा डर है रिजेक्शन का और इन्हें जज करने का, कि इनके कहने के बाद, इनके कन्फेशन के बाद आप इन्हें कैसे जज करेंगे। क्योंकि कन्फेशन सिर्फ फीलिंग्स का नहीं है, कन्फेशन इनकी लाइफ सिचुएशंस का भी है, कन्फेशन इनकी पास्ट मिस्टेक्स का भी है, कन्फेशन इनकी यू नो स्टुपिडिटी का भी है। तो इनसे अगर कोई गलती हुई है, कोई रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, कुछ झूठ बोल दिया था, कुछ फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया था, बातों को ट्विस्ट किया था, तो ये सब भी
एक अपनी मिस्टेक के कन्फेशन के रूप में आते हैं और अपनी इमोशंस अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन तो है ही, तो उनको लगता है इतना सब अगर आपको बताएंगे या इनकी लाइफ के बारे में इनकी लाइफ सिचुएशंस के बारे में आपको ज़्यादा पता लगेगा, आप इन्हें जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं अरे ये तो उस टाइप का इंसान है, अरे नहीं ये तो इस टाइप की लड़की है, इस टाइप का लड़का है, अरे ये तो यू नो ये एक के साथ टिकने वाले नहीं हैं, या फिर ये झूठ बोलने वालों में से हैं, अरे एक बार जो धोखा देता है वो धोखा उसकी फितरत नहीं बदलेगी, वो धोखा देगा। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि उन्होंने आपको अपनी लाइफ के बारे में अगर ज़्यादा बताया तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि अब उनकी फीलिंग्स क्या हैं और अब वो कैसे हैं, आप उनकी पास्ट चीज़ों पर पास्ट की चीज़ों पर उनको जज कर लेंगे, तो उनको डर है, इसीलिए वो अपनी मिस्टेक्स भी कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बताते हैं। और कहीं ना कहीं अब किसी को बताओगे मैंने कभी चीट किया था या मैंने इतने झूठ बोले थे या मैंने ऐसे ऐसा किया है, तो उसको डर रहेगा कि ये इंसान अब यही सोचेगा कि मैं इस तरह का इंसान हूँ, तो ऐसे इनको डर है। और दूसरा कि ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो आप उसमें भी इनको रिजेक्ट कर ही देंगे, इनकी बात का विश्वास करेंगे नहीं। हो सकता है इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है या इन्होंने पहले किसी का ट्रस्ट तोड़ा है, कुछ ऐसा इन्होंने किया है जिस वजह से आपको आसानी से इन पर विश्वास ना हो शायद। ओके तो ऐसा तो ये बहुत सारे स्टोरीज बना रहे हैं अपने दिमाग में, जैसा कि मैंने कहा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स समवेयर ये जो लाइकिंग है आपके प्रति, ये जो प्यार है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है आपके प्रति, ये बहुत कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्योर है। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, नो, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत एडमायर कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी को। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन और मेयर गुड लुक्स, सिर्फ गुड लुक्स के बारे में, अच्छा चेहरा, अच्छा यू नो बॉडी, इस बारे में नहीं है। इनको ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी बहुत एडमायरेबल लगती है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं ओवरऑल पर्सनालिटी में, जो आपके ट्रेट्स हैं, दे जस्ट लव इट, लाइक इट, उन्हें पसंद है सब आपके बारे में। आपके आपका जो लुक है वो उनको बहुत इनोसेंट लगता है, प्योर लगता है। हो सकता है कि आप अंदर से शरारती हैं या बहुत स्मार्ट हैं आप भी, लेकिन आपका फेस, आपका लुक बहुत इनोसेंट है। कई लोग होते हैं जो चेहरे से बहुत भोले दिखते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो चेहरे से तो बहुत चालाक दिखते हैं लेकिन अंदर से नहीं होते हैं। तो हो सकता है आप सच में इतने मासूम हैं, लेकिन उनको लगता है जैसे आप बहुत वाइब्रेंट एनर्जी के इंसान हैं, आप बहुत पॉजिटिव प्योर हार्टेड इंसान हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और साथ ही साथ उनको लगता है कि व्यूअर्स आप सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं, आप सेल्फ लव करते हैं। मतलब मैं जब ये बातें कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा ऐसा सोचते हैं कि ये सेल्फ लव करता है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, नहीं, लेकिन जिस नज़र से वो आपको देख रहे हैं उस नज़र में यही भाव है कि ये इंसान अपने आप में कितना खुश है। ऐसा लगता नहीं है कि इसे किसी की ज़रूरत है, ऐसा लगता नहीं है कि ये इमोशनली किसी पर डिपेंड है या होना चाहता है। ये इंसान कितना सेल्फ रिस्पेक्टिंग भी है, इनको कोई बात चुभ गई या इनके संग कुछ गलत किया या कुछ यू नो रॉन्ग इंटेंशन रखा या कुछ अनफेयर या कुछ मैनिपुलेशन या कुछ ऐसा करना चाहा, तो ये इंसान एक राइट डिसीजन लेगा क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा, और प्योर हार्टेड है। क्यों? क्योंकि फ्रैंक है, जेन्युइन है, कपट नहीं है मन में। तो उनको आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत एडमायरेबल लगती है, और जब ये पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं आपके, ये आपके लुक्स के साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो चेरी ऑन द केक वाली बात हो जाती है कि उनको लगता है एक तो आप इतने प्योर हार्टेड हो, ऊपर से आप दिखते बहुत भोले हो। और भोले का मतलब ये नहीं कि बहुत सुंदर दिखती है या दिखता है, यहाँ सुंदरता से मतलब नहीं, यहाँ ये फेस पे इनोसेंस है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस, जैसे बच्चों के चेहरे पर मासूमियत होती है। ओके, आई कैन सी बटरफ्लाइज हियर, ट्रांसफॉर्मेशन। व्यूअर्स वो बोलना चाहते हैं कि आप कितने बदले हैं और उस बदलाव ने इनको भी कितना बदला है।
तो उनको आपके अंदर भी एक स्लाइट चेंज, एक स्लो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। वो देख सकते हैं कि आप किस तरह से एनर्जेटिकली ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, किस तरह से एनर्जेटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, दिख रहा है, ऑरा में रिफ्लेक्ट होता है। ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा सेटिस्फाइड, ज़्यादा काम, ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा ब्यूटिफुल, ज़्यादा गुड लुकिंग, ये सब हो रहा है क्योंकि एनर्जेटिकली अंदर से हो रहा है। और इस वजह से उन पर भी असर हुआ है, क्योंकि आपके अंदर का आया चेंज, आपके अंदर का हुआ ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर, माइनर मेजर, किसी न किसी लेवल पर उनको भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। या राइट यहाँ पर ऐसा भी है व्यूअर्स, आपका हार्ट चक्र ऐसा लगता है बैलेंस्ड है आपका, क्योंकि आपके मन में, आपके दिल में किसी के लिए नफरत भी नहीं है और ऐसा कोई ऑब्सेशन भी नहीं है। यू आर ओपन बट यू आर नॉट यू नो चेजिंग एनीवन। एक अच्छा सा बैलेंस है, एक ब्यूटीफुल बैलेंस है जो हर इंसान में एक्सपेक्ट किया जाता है पर होता नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि कोई पसंद नहीं करेगा आपको या कहीं से आपको अटेंशन नहीं मिलेगा या यू नो, तो आप बिल्कुल उससे रूठ जाएंगे, उसको हेट करेंगे मन में, इसने ऐसा किया वैसा किया। और बहुत ओवर भी नहीं करते आप कि बिल्कुल ऑब्सेस हो जाएं किसी को लेकर और बस उसी के पीछे भागें, वो भी नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, प्यार है, मतलब ओपन है आप फीलिंग्स को लेकर। और ऐसा नहीं कोई ब्लॉकेज है यहाँ पर, ऐसा नहीं आपने कुछ ब्लॉक कर रखा है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप हैं इतने जेन्युइन कि नेगेटिविटी अपने आप फिल्टर हो जाती है, वो आप तक पहुँच नहीं सकती, वो पहले ही एलिमिनेट हो जाती है। आप तक पहुँचते पहुँचते बात ही ख़त्म हो जाती है। अगर कोई नेगेटिव इंटेंशन का इंसान है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, तो वो आते 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 छूट ही जाएगी नेगेटिविटी, या फिर वो इंसान आपकी लाइफ में आ ही नहीं पाएगा। तो ये बताता है कि ये आपके ऑरा, आपकी एनर्जी की वजह से होता है। यहां पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें सपोर्ट चाहिए आपसे किसी तरह का, इमोशनल मॉरल सपोर्ट। ऑब्वियसली कुछ चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनको कोई इनकरेजमेंट, कोई मोटिवेशन मिल पाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो वो फील करते हैं ये वेस्ट ना जाए, व्यर्थ ना जाए, ये ऐसे ही बस सप्रेस ना हो जाए। वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस फीलिंग को। ऐसे इमोशंस जो बहुत प्योर हैं, कुछ ही लोगों के लिए फील होते हैं, ऐसी फीलिंग्स, ऐसा इंटेंशन जो बहुत जेन्युइन है, वो भी हमेशा नहीं होता है। तो उनको ये जो जेन्युइन ट्रू फीलिंग अभी आ रही है, वो चाहते हैं इसको प्रोटेक्ट करके, प्रिजर्व करके रखें। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, प्रोटेक्ट करके रखें, प्रिजर्व करके रखें। ये भी है कि बहुत सारी चीजों के लिए ये आपको नहीं कह रहे हैं लेकिन प्रे कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि सब ठीक हो, प्रे कर रहे हैं कि सब उनके फेवर में हो, प्रे कर रहे हैं कि वो जिस जिस चीज से डर रहे हैं ऐसा ना हो। बट स्टिल दिस पर्सन इज एन ओवर थिंकर। आप लोगों का एज गैप हो सकता है ऐसा लगता है यहाँ पे। आप में से कोई बहुत क्रिएटिव है, यू नो, ड्राइंग, पेंटिंग, डिजाइनिंग, कुछ भी कुछ भी, हर फील्ड में क्रिएटिविटी तो यूज हो ही जाती है। तो क्रिएटिविटी है आप में है या उनमें है, समवन इज वेरी क्रिएटिव। या इंटरेस्टिंग, आई नीड वन कार्ड अगेन। हार्ट एंड हार्ट चक्र, मैंने हार्ट चक्र के बारे में बात की थी और हीलिंग का भी यहाँ कार्ड आया है।
व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी अपने आप को एक पेन के बाद, एक सफरिंग के बाद हील किया है. ओके, आपने भी सफर किया, आपको भी लाइफ में धोखे, स्ट्रेस या यू नो मेंटल ट्रॉमा या इमोशनल अनस्टेबिलिटी, ये सब आपको भी देखना झेलना पड़ा. बट यू मूव्ड ऑन, नाउ यू आर मोर स्ट्रॉन्गर. मैंने कहा ना, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है. तो आपने खुद को वर्क किया है. ऐसा नहीं है कि रातों रात बैठे बैठे कुछ हुआ है चेंज आपके अंदर. आपने खुद पे वर्क किया है. मुझे लगता है व्यूअर्स के वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली, एक पैशनेट इंसान की तरह, एक यू नो फास्ट एनर्जी में आपकी तरफ भाग कर नहीं आने वाले. स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, यू नो इस तरह से धीरे धीरे. कभी कभी जब वो दूसरों को शेयर भी करते हैं, अगर अपने इमोशंस और इंटेंशंस के बारे में और इस सिचुएशन के बारे में कि वो आपके आगे नहीं बोल पा रहे हैं कुछ, तो कभी कभी इनको सामने से गलत एडवाइस मिल जाती है. जैसे कि आपके जो पर्सन हैं, ये आपको डिजर्व ही नहीं करते, ये आपके लायक ही नहीं है, ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर ही नहीं सकते जो आप डिजर्व करते हो, वेदर इट इज रिस्पेक्ट, केयर, अटेंशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एक तो ये होता है, हमने किसी से अपनी सिचुएशन शेयर की और उसने हमें बोला कि अरे हाँ कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, जाकर आप बोलो तो सही, कोई जज नहीं करेगा, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, यू जस्ट ट्राई, टेक एन एफर्ट. ओके, लेकिन कभी कभी अभी दो लोगों से बोलोगे तो दो लोग सेम एडवाइस तो देंगे नहीं. किसी ने ये भी बोल दिया हो सकता है कि सच में वो इंसान आपसे कई गुना बेटर है, उसको कई गुना बेटर मिल जाएगा, या वो बेटर डिजर्व करता है, यू नो. तो एक सेल्फ डाउट भी आ जाता है अंदर कि क्या मैं उस इंसान को डिजर्व नहीं करता, क्या मैं उनके लायक नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके लायक नहीं हूँ तो फिर ये कभी भी नहीं चल पाएगा रिश्ता. ये बॉन्ड कभी भी टूट जाएगा. तो एक डर लग रहा है, ऐसा दिखता है. अगर पास्ट में आप लोगों ने अच्छे से बातें की हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, मैसेजेस एक्सचेंज किए हैं, फोटोज आपने क्लिक की हैं या एक दूसरे को भेजी हैं, जो भी है, जो भी आपका पास्ट में अगर थोड़ा भी एक्सचेंज अच्छा रहा है, तो वो उसी चीज़ से बाहर नहीं आ रहे हैं. वो आपके पास्ट यू नो मैसेजेस और क्या कहते हैं, ये ऑफकोर्स मैसेजेस और जो भी आप टेक्स्ट कर रहे थे, वो सब दोबारा उन चीज़ों को देख रहे हैं, पिक्चर्स को देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें जो उन्हें उसी पल की याद दिलाती हैं, ऐसी कोई पिक्चर, ऐसा कोई मैसेज जो उसी मोमेंट को रिक्रिएट कर देता है, ऐसा कोई गाना जो उसी मोमेंट को रिक्रिएट कर देता है. अगर आप किसी से मिले सपोज और आसपास कोई गाना बज रहा है या बज रहा था, तो भविष्य में जब भी वो गाना बजेगा, आपको कभी कभी उस मोमेंट की याद तो आ ही जाएगी. तो ऐसे इनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जो इन्हें बार बार फ्लैशबैक में ले जाती हैं. सो दिस वॉज द रीडिंग. आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है. अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, हेल्प किया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने परसेंट रेजोनेट करता है. चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.